हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड मेडिकल कॉलेजेस। चलो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पाकिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट्स को हॉस्टल में क्या क्या सहूलियात मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूम्स और उसकी फैसिलिटीज़ की, उसके बाद बात करते हैं पूरे हॉस्टल की कॉमन फैसिलिटीज़ की। बात रूम हॉस्टल के चार तरह के होते हैं, एग्जा जो 6 स्टूडेंट्स के लिए, टेट्रा 4 बाई सीटर में 2, और क्यूब जो के एक बंदे के लिए होता है। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करोगे तो आपको रहना पड़ेगा 4 से 5 महीनों तक हॉल्स में, जिसके बाद आप शिफ्ट होंगे रूम्स में। ज्वाइनिंग के दिन ही मिलता है आपको इस तरह का बेड और उसके साथ एक फॉर्म, बेडशीट और पिल्लो आपने खुद ही लेना होता है, और मिलता है आपको इस तरह का अलमारी जिसमें आप अपनी सारी किताबें और बाकी सामान रखते हैं, एक टेबल और चेयर जिस पे आप ज़्यादातर बैठकर मोबाइल ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी इस पर पढ़ भी लेते हैं। और मिलता है अपने रूम के लिए एक इस तरह का डस्टबिन। हर रूम में 2 पंखे होते हैं, और फिर भी अगर किसी को गर्मी लगे तो वो लगा सकता है अपने रूम में एक एसी, जिसकी बिल होती है पर ईयर 50,000। और हर रूम की खिड़की से होती है इस तरह का नेचुरल व्यू, है ना कूल। ये हो गए हमारे हॉस्टल की रूम की फैसिलिटीज़। अब बात करते हैं ओवरऑल हॉस्टल की फैसिलिटीज़ की। साफ साफ कॉरिडोर्स, और कॉरिडोर के हर कोने में पड़े हैं ऐसे बड़े डस्टबिन्स। कॉमन किचन रूम जिसमें होती है एक कॉमन फ्रिज। इसके अलावा जो दूर दराज के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए अवेलेबल होता है लाउंड्री रूम, जिसमें पड़े होते हैं इस तरह के वॉशिंग मशीन्स। हॉस्टल हो और उसमें जिम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला। जी हाँ, ये है हमारे हॉस्टल की जिम। हॉस्टल के अंदर ही है ये मस्जिद, जहाँ पर नमाज के अलावा कुरान शरीफ की तिलावत और इस्लामिक बुक्स भी पढ़ सकते हैं। ये है हमारे हॉस्टल की स्टडी रूम। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत कम ही आकर पढ़ते हैं, इसीलिए इसमें रखा है टेबल टेनिस का टेबल, जहाँ मैं रात 12 बजे खेलने ना आऊँ तो नींद ही नहीं आती। ये है हमारा मिस हॉल। और पड़े होते हैं हमारे हॉस्टल के हर फ्लोर पर इस तरह के वाटर डिस्पेंसर्स। ये हैं हमारे हॉस्टल के वॉशरूम्स, जो के हर फ्लोर के दोनों कॉर्नर्स में मौजूद होते हैं। ये है कंप्लेन बुक, जहां पर जो भी कंप्लेन लिखें तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के अंदर ही मसला हल हो जाता है, अगर हल होने वाला मसला हो। ओए, मैं तो मेन चीज़ को भूल ही गया। हाँ हाँ, हॉस्टल की रूफटॉप, जो कि है हमारे हॉस्टल का सबसे बड़ा एसेट। रूफटॉप की है ये व्यू, यहाँ सनसेट के टाइम बैठकर चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। तो ये था हमारे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और उसकी फैसिलिटीज़। पाकिस्तान में ही डिफरेंट कॉलेजेस के हॉस्टल के डिफरेंट फैसिलिटीज़ होते हैं। क्या आप भी हॉस्टल आए तो, अगर हाँ तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इनके अलावा आपके हॉस्टल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।